हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल पीपल। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। सो गाइज, मॉर्निंग का जो टाइम होता है मेरा वो एक्सरसाइज का होता है। मैं एक्सरसाइज करने के लिए आती हूँ। ये जो मेरे प्यारे प्यारे कबूतर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको दाना खिलाना होता है, और डक्स को दाना खिलाना होता है, फिश को दाना खिलाना होता है। सुबह का जो मेरा टाइम होता है, एक घंटा कम से कम मेरा इनके साथ बीतता है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये इतने सारे कबूतर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरी सब फ्रेंड हैं, देख सकते हैं। आ जाओ दोस्तों, आओ। वहाँ जो मैंने दिखाए थे आपको कबूतर दिखाए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं जो ये रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे देखिए कितने सारे कौवे हैं। तो इनके लिए आटे की गोलियाँ यहाँ पे रखी जाती है, या पनीर आप ला सकते हो, पनीर रखी जाती है, और ये बहुत प्यार से खाती हैं। अभी यहाँ लगा देंगे ना तो ये खानी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ बैठेंगी और उसके बाद इनको खानी स्टार्ट कर देगी। देख सकते हैं बहुत सारे, ये सामने देखिए, आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने इनके लिए यहाँ पे आटे की गोलियाँ रखी और उसके बाद वो किस तरह खा रही थी, बहुत ही अच्छी। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं बैक साइड में वो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कौवे हैं ना, ये यहाँ पे पनीर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पनीर लाते हैं, पनीर ला के रख देते हैं, तो ये बहुत ही शौक से प्यार से खाती हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे झील के किनारे पे, वहाँ पे बोट रखी हुई है, उस बोट के पास चलते हैं। सो गाइस, यहाँ तो मैंने दिखा रखा है आपको, यहाँ देखिए ये जो तालाब है ना, इसमें इतनी सारी फिश हैं, बहुत सारी फिश डाली हुई है, और यहाँ हम दाना वाना डालते हैं इनके लिए। सो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे साइड में जो बोट रखी हुई है, जो मैं दिखाती रहती हूँ आपको। सो गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ बोट है, जिस बोट में मैं जा रखी हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बोट यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन इस बोट को चला नहीं सकते क्योंकि इस साइड में बांध रखी है। मैं ऐसे नहीं दिखा रही हूँ आपको कि ये चलाऊंगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और ये बोट का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब भी झील में जाना होता है दाना देने के लिए। तो अभी ये बोट ऐसी रखी हुई है। वैसे बोटिंग करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको बोटिंग करके। सामने देख सकते हैं जोशी जी यहाँ बैठ गए हैं बोट के ऊपर, और ये देखिए मछलियों को दाना दे रहे हैं। देखो बड़ी क्लोज में आ जाएंगी ये। ये देख सकते हैं आप फिश को दाना कैसे दिया जा रहा है। सो गाइस, ये देख सकते हैं बोटिंग सेशन, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। ओहो, ये देखिए कितनी ज्यादा फिश आपको नजर आ रही है। सो गाइस, ये देख सकते हैं ये ब्रिज बना हुआ है इस साइड से उस तरफ जाने के लिए। हेलो आंटी, कैसे हैं? वाओ, देखिए कितने सारे फिश सेल हैं।
सो गाइस आज मेरे साथ हैं मीना गोस्वामी जी, जिनसे हम बात करेंगे, आज उनसे भजन सुनेंगे। आप भजन का आनंद लें और भजन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये भजन सुने और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन लाने की कोशिश करें। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम, जीवन धन मिल जाए सुख लाए तेरो नाम, जो धाय फल पाए सुख लाए तेरो नाम, तू दानी तू अंतर्यामी तेरी कृपा जीवन धन मिल जाए सुख लाए तेरे नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने भक्ति भजन गाया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। मुझे इसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को भी ये भजन बहुत अच्छा लगा और आपने अनुसरण किया इससे कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज करने का, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सभी दर्शकों को